एटम बाइक है मेरे सामने, आप देख रहे हैं, नया लॉन्च हुआ है, पूरा असेंबलिंग इंडिया का है। कलर क्वालिटी की बात करें पूरा इंडियन है। इसकी जो फ्रेम डिज़ाइन जो नया चेंज किया है इसके अंदर, और बात करें अपन इसके हैंडल बार के, पूरा क्वार्टरलेस के अंदर है और हैंडल भी बैरिंग के अंदर दिया हुआ है, मैट फिनिश के अंदर है, ट्रिपल लेयर के पेंट है, वाटर रिटेल है इसके अंदर। और बात करें इसकी क्रैंक साइड की, क्रैंक साइड भी पूरा क्वार्टरलेस के अंदर है, बैरिंग के अंदर दिया हुआ है, चैन भी मेटल में दिया हुआ है, रस्ट वगैरह नहीं जमता है इसके अंदर। या अपन बात करते हैं फॉक की, फॉक भी स्टील में दिया हुआ है जो रस्ट वगैरह नहीं जमता, स्मूथनेस बहुत है इसके अंदर। बताइए एक आदमी से नहीं दबता ये पूरे, अब उनको हैंडल पकड़ के इतना स्मूथनेस शोकर दिया हुआ है जो इजीली दब जाता है। और बात करें डिस्क ब्रेक प्लेट की और डिस्क ब्रेक मशीन की, जो स्पीड कंपनी का मशीन दिया हुआ है, 160 mm का डिस्क ब्रेक प्लेट दिया हुआ है, जो ब्रेकिंग वगैरह बहुत अच्छा है, आगे किक रिलीज है जो इजीली कार के अंदर रख सकते हैं। और हम बात करते हैं स्टैंड क्वालिटी की, स्टैंड क्वालिटी बहुत बेटर दिया हुआ है इसके अंदर, जो इजीली आप खुद लगा सकते हो, खुद खोल सकते हो घर के अंदर, सिर्फ 5 नंबर एलन की चाहिए, इजीली निकल जाता है इसके अंदर। बात करते हैं रिम की क्वालिटी की, रिम डबल वॉल अलॉय रिम के अंदर है, लाइट वेट है इसकी। अगर वेट की बात करते हैं, साइकिल की वेट की बात करते हैं अपन, तो वेट भी बहुत कम है इसके अंदर, मात्र 14 किलो वेट है। और प्राइस की बात करते हैं, प्राइस आपको मेरा लिंक में नीचे मिल जाएगा आपको।